वेलकम गाइस, आज बात करेंगे इस पॉडकास्ट में जैपनीज लैंग्वेज के बारे में। ये पॉडकास्ट पर्टिकुलर होगा जैपनीज लैंग्वेज के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे हैं रवि गुप्ता जी से, जो जैपनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं और नियोंगो मैक्स जैपनीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, जो अब तक मोर देन 3000 स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे चुके हैं जैपनीज लैंग्वेज में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, हम शुरू करते हैं जैपनीज लैंग्वेज के बारे में जानकारी लेते हुए जी, कि जैसे जैपनीज लैंग्वेज है, जैपनीज लैंग्वेज मैंने जितना सुना है, लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं, जैपनीज भी बहुत कॉमन लैंग्वेज में आती है, लेकिन मैंने जितना सुना है कि जैपनीज लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, उसके अल्फ़ाबेट, मतलब जितना मुझे नॉलेज है, हिरागाना काताकाना, तो उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि कितना हार्ड है जैपनीज लैंग्वेज सीखना अदर लैंग्वेज से, इसके बारे में थोड़ा मेरे को बताइए। तो अमन, वेलकम टू निहोंगो मैक्स। हमारा जो चैनल है वो निहोंगो मैक्स के नाम से भी है, और जो आपका चैनल है उस पर भी हम ये वीडियो शेयर करेंगे, ताकि सभी स्टूडेंट्स को, आपको भी, हम सबको ये चीज़ नॉलेज मिल पाए कि जैपनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जैपनीज़ लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है, तो अभी हम सिर्फ जैपनीज़ लैंग्वेज की बात करेंगे। तो पहला आपका जो क्वेश्चन था कि वो आसान है या मुश्किल है, या मुश्किल है, हमने सुना है हिरागाना काताकाना स्क्रिप्ट वगैरह होता है, ये भी है, बात बिल्कुल ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और इसका ना दो आंसर मैं देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं शुरू करता हूँ कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मुश्किल है। अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो हिरागाना सीखना पड़ता है, काताकाना सीखना पड़ता है, लेकिन एक मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, अगर हमने ABCD सीखी है, तो हमने बचपन में सीखा ना, एक बड़ी ABCD होती है, एक छोटी ABCD, याद है आपको? तो लेकिन हिंदी में तो कुछ भी नहीं था, क ख ग एक ही तरह का होता है, तो इंग्लिश सीखते समय हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि इंग्लिश की स्क्रिप्ट मुश्किल है, हिंदी की स्क्रिप्ट आसान है, ऐसा कुछ नहीं होता, हमने सीख लिया। जैसे इंग्लिश 26 है, तो इसी तरह से हिरागाना काताकाना 45 होता है, यानी कि एक बिगनर के लिए ना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है जैपनीज लैंग्वेज को स्टार्ट करना और सीखना। अब मैं इसका ना दूसरा आंसर देना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे जैसे आप एडवांस में जाते हैं, तो कांजी नाम की एक स्क्रिप्ट भी आपको सीखनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल सही बात है, मुश्किल होता है उसको सीखना। जैसे अगर लेवल्स की बात करें तो 100 कांजी आपको हर लेवल में सीखनी पड़ती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन इसका एक पॉजिटिव आस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर कोई लैंग्वेज मुश्किल है, अगर आप कहो कि मुश्किल है, तो आगे जाके तो ये अच्छी बात है ना कि हमने कोई चीज़ मुश्किल सीखी है, यानी कि बहुत सारी भीड़, बहुत सारी जनता उसमें नहीं घुस पाएगी इतनी आसानी से, और हमारी वैल्यू बनी रहेगी। या फिर अगर कोई बहुत आसान काम करो आप, जो मैं 6 महीने में 1 साल में ही सीख जाऊँ, जिसमें आगे जाके जनता बहुत सारी घुस रही है, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? स्टार्टिंग में आपको मुश्किल है, लेकिन आगे जाके आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर रहे, बढ़िया रहे, या फिर स्टार्टिंग में तो मुश्किल ना है, लेकिन आगे जाके मुश्किलें आती रहें, ठीक है? तो बस इसका ये आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। हमारे व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं, उन्हें पता लग गया होगा कि जैपनीज के बारे में, कि कठिन और आसान के बारे में जिनको थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो वो क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात ये है, जैपनीज ठीक है, जैपनीज सीखें आप ये बोल रहे हैं, तो जैपनीज में मेरे को ये भी बताएं कि जो जैपनीज सीखते हैं स्टूडेंट, जैसे हमें पता है इसमें लेवल होते हैं N1, N2, N3, N4, N5, तो इसको थोड़ा क्लियर कर दो स्टूडेंट्स के लिए कि N1 क्या होता है। कई लोग सोचते हैं बस N1 सीख लिया तो हम बिल्कुल जैपनीज में एक्सपर्ट हो गए, या हम थोड़ा सा बोलने लगे, तो ये ज़रूर बताएं कि N1 और N2 की क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा ये भी बताएं कि इसको सीख के क्या स्कोप है जैपनीज लैंग्वेज का इंडिया में और जापान में और अब्रॉड में, क्या क्या इसके करियर ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है अमन भाई, मैं आपको ना सीधे बहुत ही सिंपल वे में ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को शुरू करते हो, तो आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए और उससे हमें फ़ायदा क्या होगा। ये आपका बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, मैं भी आपसे, हमारे व्यूअर्स से भी यही बोलूँगा कि आप कोई भी चीज़ शुरू करें, सभी लैंग्वेजेस अच्छी हैं, अगर आप जापनीज सीखते हैं, पॉर्चुगीज सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, सभी लैंग्वेज बढ़िया हैं, लेकिन आपको क्या करना है और कितने टारगेट तक जाना है, कितने लेवल तक जाना है, मतलब आपके लैंग्वेज सीखने में वो स्कोप है भी या नहीं, हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट हो जाएगा, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और जो ये जो क्वेश्चन है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर देना चाहता हूँ। अगर मैं अभी तो सिर्फ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जैपनीज लैंग्वेज के लिए, आगे जाके हम दूसरी लैंग्वेज पे भी वीडियोस बनाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर, खाली मेरी बात मत मानिए कि मैं ही सही हूँ, ठीक है, आप गूगल पर सर्च करें, हज़ारों डेटा और भी हैं, AI वगैरह सर्च करें, तो आपको ही पता चलेगा कि जैपनीज लैंग्वेज को सीखना मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ,
लेकिन इसमें जो स्कोप है वो और किसी लैंग्वेज में नहीं है आज की दुनिया में, स्पेशली इंडिया की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर, इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में भी जैसे गुड़गांव, नोएडा या साउथ इंडिया वगैरह की बात करें, चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, यहाँ पर भी इतनी सारी जॉब्स हैं कि इनफैक्ट मैं खुद अपना सेंटर चलाता हूँ, जापानीज लैंग्वेज सेंटर, मेरे पास स्टैंडिंग जॉब्स हैं इस टाइम, लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं हैं जो वो लेवल्स क्लियर कर पाए। देखिए 5 लेवल होते हैं, आपने लेवल्स की बात करी थी तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें उल्टा शुरू होता है, 5 4 3 2 1 इस तरह से आपको जाना होता है। 5 सबसे आसान है, अगर आप बिगनर हैं तो आप 5 से शुरू करेंगे और उसके बाद 4 3 2 तक जाएंगे, या 1 तक भी जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन ज़्यादातर 3 2 तक आपका काम हो जाता है, या काम का मतलब है कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। अभी मैं सैलरीज के बारे में भी बताऊंगा, सैलरी के पैकेजेस के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपको, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले, खाली मेरी बात नहीं सुन के आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, सभी चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये बात मान के अपना भाई हम ही बोल रहे हैं तो हम ही सही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले N5, N5 पे कोई जॉब नहीं है, ठीक है, सीधी सीधी बात। N4, N4 पे भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई जॉब नहीं है, सीधी बात, ठीक है। N3 और N2 की हजारों जॉब्स हैं, बस ये याद रखिए, ठीक है। हजारों से क्या मतलब है, पैकेज पर भी निर्भर करता है। देखिए N3 का है और दूसरी बात स्टार्टिंग पैकेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 लाख या 7 लाख रुपये मिल जाएंगे 1 साल के, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे नहीं मिल पाएगा ज़्यादा, आई एम श्योर, ठीक है, क्योंकि हम खुद अपने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट कराते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख 7 लाख मिल पाते हैं 1 साल के, वो ज़्यादा कुछ नहीं कमा पाते। लेकिन अगर आप 1 साल काम कर ले, मान लीजिए आपने ना पैरेलली पढ़ाई भी करी, मेहनत भी करी, लेकिन N2 क्लियर नहीं हो पाया, या आपके पास 1 साल 2 साल का तो एक्सपीरियंस है लेकिन N2 क्लियर नहीं हो पाया, तो 2 साल के बाद आपका वो जो पैकेज है वो 10 लाख या 11 लाख तक ही जा पाएगा। लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने 2 साल तो जॉब करी है और 2 साल में पूरी मेहनत करके N2 भी किसी तरह से क्लियर कर लिया है, तो आई एम श्योर, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको 15 लाख का या 16 लाख का, हमारे पास खुद इस टाइम रिक्वायरमेंट है कि अगर उनको 3 साल का एक्सपीरियंस है और उनका N2 क्लियर है, N2 से समझ आ रहा है आपको, मतलब N5, N4, N3, N2, N1 JLPT के लेवल्स होते हैं, ये जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसको बोलते हैं, यानी कि जापानीज लैंग्वेज की आपको कितनी प्रोफिशिएंसी है उसके हिसाब से लेवल्स होते हैं। तो 15-16 लाख का पैकेज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ले रहे हैं। मेरे 2 साल पहले का एक्सपीरियंस है, कोविड ओवर ही हुआ था और उसके बाद मैंने फिर से N2 N1 पढ़ाना शुरू करा, तो कुछ स्टूडेंट्स से जो N2 में फेल हो गए थे लेकिन 2 स्टूडेंट्स पास हो गए, आज वो विप्रो में काम करते हैं, उनका 18 लाख का पैकेज है, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस के बाद आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। और देखिए अगर आप इसको सोचते कह रहे यार 2 साल कौन काम करेगा, इतने लेवल कौन करेगा, तो फिर तो देखिए कोई भी कुछ अपने लाइफ में कर नहीं सकता, ठीक है, इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इतना तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा जवाब, हमारे व्यूअर्स को समझ आ गया होगा कि लेवल्स क्या होते हैं जापानीज में और पैकेज कितना जाता है और कहाँ तक आपको जापानीज लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अब हमारा जो आखिरी सवाल है, हम इस पॉडकास्ट को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम एक आखिरी सवाल और पूछेंगे। अगर जो भी स्टूडेंट निहोंगो मैक्स में आते हैं तो आप उनको, आई मीन किसी को सीखना है N2 लेवल से, किसी को सीखना है N5 से, तो आपके पास सारे लेवल सिखाने के लिए टीचर, पर्याप्त टीचर और सब कुछ अवेलेबल है कि किसी भी लेवल से कोई ले सकता है एडमिशन डायरेक्ट, ऐसा उसके लिए आपके कोई क्राइटेरिया है डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए, कि कोई बोले कि मेरे को डायरेक्ट N3 करना है तो आपके पास कोई जवाब है कि सवाल है कि N3 में कैसे देने आपको जब आप N5 कहाँ से किया है, तो ऐसा कोई करने आता है डायरेक्ट एडमिशन के लिए तो आप क्या करते हैं उसके साथ? एग्जैक्टली आपका ये सवाल भी ना बहुत अच्छा है और काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी जो मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी जब स्टूडेंट्स इसको समझेंगे कि हमें एडमिशन लेने पर या एडमिशन से पहले कुछ पढ़ना है नहीं पढ़ना है, या फिर हमें कैसे एडमिशन मिल सकता है, और एडमिशन की भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम उसको पास भी कर सकते हैं नहीं कर सकते, या निहोंगो मैक्स अच्छा इंस्टीट्यूट है भी या नहीं। तो देखिए मैं ना शुरू से शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमारे पास एडवांस लेवल की अगर बात करें, जैसे N1 N2 N3 लेवल की बात करें, तो ज़्यादातर बाहर के इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट आते हैं ये बोल के कि मैं तो 2 बार फेल हो चुका हूँ, उन्होंने जिन्होंने मुझे बोला था उन्होंने कुछ भी ऐसा पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज होता है, लिसनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, वोकेबलरी के क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस एग्जांपल्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस की ट्रेनिंग उन्होंने करवाई नहीं।
लेकिन अगर चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कराई भी तो भी मैं पास नहीं हो पाया क्योंकि वो मटेरियल ही पर्याप्त नहीं था, मटेरियल ही पूरा ही नहीं था। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए, मतलब इनफैक्ट इन दोनों चीज़ों में ना मैं कहूँगा कि निहोंगो मैक्स की आप वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने खुद क्लास के डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाए हैं कि इन इन चीज़ों को ही कैटर करने के लिए, इन इन चीज़ों को ही सॉल्व करने के लिए, बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही होती है, इन्हीं को ही सॉल्व करने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो फेमस है। ठीक है, इसके बाद जॉब मिलना ना मिलना बहुत ही आसान हो जाता है, यानी कि हमें ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपको ना हम किसी तरह से जॉब में वो करें, प्रमोट करें या कुछ जॉब दिलवाएं आपको, आप खुद ही जॉब ले लेते हैं क्योंकि लेवल पा रहे। तो लेवल के बाद मैंने बताया ना, N3 पास होने के बाद ही अपने आप में ही जॉब्स आपके लिए अवेलेबल है। आप इंटरनेट पर सर्च करिए, मेरी बात मत मानिए, आप इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको 5-4-3 ही करना है, 2-1 तक जाना नहीं, उसके बाद भी आपको जॉब्स मिल रही हैं अगर, और वो भी अच्छे अच्छे पैकेज, बहुत अच्छे पैकेज। मैं तो कहूँगा देखिए, स्टार्टर्स के लिए 15-16 लाख रुपया थोड़ा सा बड़ा ड्रीम है, लेकिन स्टार्टर के लिए अगर मैं कहूँ कि 7 लाख रुपया 6 लाख रुपये तो अच्छा ड्रीम नहीं है क्या ये? ठीक है, और 2 साल के बाद अगर वो 10-12 लाख पर पहुँच जाता है पैकेज तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? और देखिए दूसरी बात की, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या मैं टेक्निकल लैंग्वेज करूँ, इसके साथ फाइनेंस में कुछ करूँ, मैं SAP का सॉफ्टवेयर वगैरह सीखूँ? तो देखिए पहले आप जापानीज लैंग्वेज सीखिए, या इनफैक्ट जापानीज नहीं, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो उसको पहले आप अच्छी तरह से करिए, आपके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। आपको एक बार अगर आपने जॉब ज्वाइन करी तो आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, लैंग्वेज और अच्छी हो जाएगी, आपके पास फाइनेंसिस भी आ जाएंगे क्योंकि सैलरी मिल रही है। तो ये चार चीज़ें आपको आगे जाने वाले करियर के लिए बहुत बहुत सपोर्ट करेंगी, बस इस बात का भरोसा रखिए। क्योंकि हम लोगों में होता है ना कि हमें जल्दी जल्दी चाहिए, अभी ही अभी चाहिए सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम 1-2 साल आपको ना पूरी मेहनत करनी पड़ेगी लैंग्वेज सीखने में, उसके बाद 1-2 साल की मेहनत करनी पड़ेगी आपको जॉब के लिए, और फिर आपका करियर बहुत अच्छा है। ठीक है, जापानीज लैंग्वेज के बारे में जितना अभी हमने बात करा तो हमें यही पता लगा कि लैंग्वेज बहुत अच्छी है। इनफैक्ट लैंग्वेज सारी अच्छी होती हैं, बस आपने जैसा बताया कि जिसको भी सीखना है उसको पहले सोचना है कि क्यों सीखना है, अपना स्कोप जान के कि उसका क्या स्कोप है। तो मुझे लगता है कि जापानीज लैंग्वेज का जितनी जानकारी थी, मेन बातें थी, वो हम कर चुके हैं। तो अभी हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे फिनिश करेंगे। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सेम मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें बताने की हज़ारों चीज़ें हैं, क्वेश्चंस भी हज़ारों हैं, लेकिन आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना वो एकदम बेस्ट क्वेश्चंस थे अभी तक के। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और हमारा जो नंबर है वो इस वीडियो के ऊपर आपको जैसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कभी भी कॉल करिए, आपके और भी अलग अलग क्वेश्चन जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।